राजधानी रांची में ऐसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन जगन्नाथपुर मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की बात ही निराली है। इस मंदिर की प्राचीर से गुजरने वाली हवाएं भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। पुरी के मंदिर की स्थापत्य कला को समेटे इस मंदिर की हर ईंट हमें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं। यहां हर साल लगने वाला रथ यात्रा तो लोगों का मन मोह लेता है। यह मंदिर न केवल अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रहा है, बल्कि स्वाधीनता संग्राम से भी इसका गहरा नाता रहा है। हर साल जगन्नाथ स्वामी बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर यहाँ मौसी बाड़ी जाते हैं, और उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए राज्य और आसपास के क्षेत्रों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु रांची में इकट्ठा होते हैं। लक्षा अर्चना और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के बाद भगवान का रथ खींचा जाता है। तब रथ से बंधी रस्सी को छूने की होड़ यहां देखते ही बनती है। आधा किलोमीटर के इस सफर में 2 घंटे से ज्यादा समय लग जाते हैं, जो प्रमाण है उस आस्था का जो लोगों के मन में हिलोरे ले रही होती है। दरअसल धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण वर्ष 1691 में बड़कागढ़ के राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने करवाया था। यह मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की हूबहू कलाकृति है। इस मंदिर में पूजा से लेकर भोग चढ़ाने का विधि विधान भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा ही है। रांची का जगन्नाथपुर मंदिर न केवल हिंदुओं के आस्था का मंदिर है, बल्कि यह मंदिर सर्वधर्म सद्भावना का भी एक मिसाल है। तभी तो कहते हैं कि झारखंड के कोने कोने में बिखरी है झारखंड की समृद्ध विरासत की निशानियां। अरविंद प्रताप के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची।